एक मामूली सी कहा सुनी के चलते बहादुरगढ़ की आईटीआई में कुछ ऐसा हुआ जिसने बाद में खूनी संघर्ष का रूप ले लिया और आज एक मासूम जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। बहादुरगढ़ की आईटीआई में एक मामूली सी कहा सुनी खूनी संघर्ष में उस समय तब्दील हो गई जब बहादुरगढ़ आईटीआई में दो छात्रों के बीच हुआ झगड़ा काफी बढ़ गया और बात हमले तक आ पहुंची। दरअसल बहादुरगढ़ आईटीआई में मामूली कहासुनी को लेकर एक छात्र ने दूसरे छात्र को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद घायल छात्र को इलाज के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया। घायल छात्र की पहचान कुलताना गाँव निवासी राहुल के रूप में हुई है। घायल छात्र ने बताया कि पहले एक छात्र ने उसके साथ गाली गलौज की और उसके बाद जब वो बैठा हुआ था तो उसी दौरान पीछे से चाकू से उस पर लगातार कई वार कर दिए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने घायल के बयान के आधार पर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। सर जी क्लास में बैठा था, मैं सर पीछे से आगे मारा, सर गाड़ी पकड़ रहे थे बार बार में। कितने बच्चे हैं? एक ही है सर। क्या मारा आपको? सर चक्कू मारा था। क्लास के अंदर घुस के मारा या बाहर मारा? नहीं, क्लास में। छात्र पर हुए इस हमले के मामले में आरोपी अभी तक फरार है। हालांकि पुलिस जल्दी आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। जनता टीवी के लिए बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।